अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमडी बर्ड्स एंड एनिमल यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ सवाल हैं हमारे जो कमेंट्स में आए हैं और लोगों ने पूछे हैं यूट्यूब पे, वो हम राजू भाई और अरुण भाई से करेंगे। जैसे कि अब ये वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं नाम तो मैंने आपको सबको बता दिया है, ये है राजू भाई हैं और ये इनको अगर उस्ताद भी कहें तो गलत नहीं होगा। उस्ताद ही कहते हैं, हमारे बड़े भाई हैं भाई। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि किस तालीम से आप बिलोंग करते हैं, उस्ताद कौन है आपके, शागिर्द कितने हैं आपके, ये सब चीज़ें। ऐसा है जी, मैं एक बहुत छोटी सी तालीम का शागिर्द हूँ जो दिल्ली की बहुत बड़ी तालीमों में बेशुमार है। वो तालीम है उस्ताद ईसा। उनके जो उस्ताद ईसा के जो उस्ताद थे, उस्ताद तुल्ली थे, ये जो तालीम चली उस्ताद तुल्ली से चली और उस्ताद ईसा के पास आई पकड़ी। उस्ताद ईसा के बाद आने के बाद उस्ताद मुख्तियार के पास गई, उस्ताद ईसा के बेटे उस्ताद मुख्तियार। आज मौजूदा हालातों में जो तालीम चला रहे हैं वो उस्ताद मुख्तियार चला रहे हैं। और रहा सवाल मेरा, मैं कोई उस्ताद नहीं, मैं एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ, इसी तालीम से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं खलीफा मीनू का शागिर्द हूँ, जो खलीफा मीनू जो थे उस्ताद ईसा के खलीफा थे, बाख्तियार पहले खलीफा, मैं उनका शागिर्द हूँ। और मेरे मानने वाले भाई हारून हैं और रोहतक में हैं भाई मुन्ना हैं और बहुत सारे इस तरीके से लोग हैं जो मित्र मानते हैं, लेकिन मैं उस्तादों में सुमार नहीं हूँ, मैं इस तरीके से रहता हूँ जैसे ये मेरे भाई हैं। अच्छा, तो आपने कब से मतलब शौक कर रखा है, मतलब करते हैं? मेरे को तकरीबन 35 साल हो चुके हैं इस शौक को करते करते, और मैं इसी तालीम से ही जो भी कुछ मेरे को छोटा बड़ा जो भी कुछ आता है जमा घटा करना, मैं इसी तालीम के ही पार्ट हूँ और इसी तालीम से मैंने सीखा है और इसी का ही मैं आगे नाम करता हूँ और करता रहूँगा आगे भी। अच्छा, जो एक पार्टी होती है जिसको तालीम कहते हैं, उसके अंदर उस्ताद एक ही होता है या फिर बहुत सारे उस्ताद होते हैं? नहीं, हर तालीम का एक उस्ताद होता है, लेकिन आज जो हो गया है कि हर जगह मतलब दो दो उस्ताद इकट्ठे होते जा रहे हैं, लेकिन मेरी जो अपनी, मैं अपनी ही तालीम के बारे में कह सकता हूँ, बाकी मैं किसी तालीम के बारे में बुरा या अच्छा वर्ड नहीं कहूँगा। मेरी तालीम के अंदर मेरे जो दादा उस्ताद थे उस्ताद ईसा, उनके बाद में जो पगड़ी मिली तो उस्ताद मुख्तियार को मिली। आज जो तालीम को जो चला रहे हैं उस्ताद मुख्तियार चला रहे हैं, जिन्होंने भाई भोलू के यहाँ शौक दिखाया 1100 का उतर का, दुनिया ने देखा वो किस टाइम पर, मतलब अभी रिसेंट में? हाँ, रिसेंट में करीब 3 साल पहले दिखाया। अच्छा। और जैसा भी अच्छा बुरा था सब भाइयों ने देखा। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी तालीम बहुत बड़ी है या बहुत अच्छी है, सीलमपुर से। तो उनकी एक वीडियो यूट्यूब पे है, तो लेकिन उसके अंदर कुछ 550 कबूतरों का जिक्र है। पहले 550 कबूतर उड़ाए थे, फिर उसके बाद में 1180 कबूतर उड़ाए थे उस्ताद जी ने, छत से, भाई बोलूँ की छत से ना। अच्छा, तो अब मैं पूछना चाहूँगा आपको कबूतर कौन से पसंद? देखो जी, हमने तो अपने जीवन में जब भी कबूतर पाला तो हमने भोले कबूतर पाले और देसी कबूतर पालने का हमें शौक़ है। अच्छा, मैंने मतलब कमेंट में मतलब पढ़ा है कहीं पर कि आपने जो है पहले अपने शुरुआती टाइम में कश्तियों में कबूतर उड़ाए हैं। ऐसा है, कश्तियों में जो उड़ाए हैं ये हमारे दादा उस्ताद ने शौक़ किया। हमारे जो आज जो उस्ताद हैं, उस्ताद मुख्तियार जो आज हैं, उन्होंने जंगल में शौक़ किया। भाई गोल्डी थे हमारी तालीम के हैं, कल्ले खलीफा उस्ताद मुख्तियार के शागिर्द हैं, वो खलीफा थे उनके पास बाख्तियार।
उनके यहाँ उस्ताद जी ने 1000 कबूतर जंगल में खोल के लड़ाया था शुरुआत। कितने साल पहले की बात होगी ये? तकरीबन हो गई जी 15 से 16 साल के लगभग। और जो सवाल रहा कश्तियों का, वो और भी उस्तादों ने मतलब की शौक़ दिखाया है। ये नहीं कि मेरे ही उस्ताद ने शौक़ दिखाया, मैं किसी भी उस्ताद का मतलब की निंदा नहीं करूँगा, मैं किसी उस्ताद को बुरा नहीं कहूँगा। उस्ताद उस्ताद सब बराबर और सारे वो मेरे उस्ताद हैं और सब मेरे बड़े हैं, उनका मैं आदर करता हूँ, उनका मैं सम्मान करता हूँ, सब उस्ताद हैं। तो दोस्तों, जिन कबूतरों की बात राजू भाई अभी कर रहे थे कि उस्ताद जी ने उड़ाए थे भोलू भाई के, तो उन कबूतरों की ये वीडियो छोटी सी हमने आप लोगों के लिए ढूंढ के निकाली है। आप लोग भी देखें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अभी तक जो आपने राजू भाई की बात सुनी वो कैसी लगी। और इस वीडियो के 2-3 पार्ट हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप सारे पार्ट देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो।